हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम्स के बारे में। इस डिजिटल युग में हम अपने रोज़ाना के कई कार्यों के लिए इंटरनेट पर डिपेंड हो रहे हैं। इंटरनेट के जहां फ़ायदे हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी है। आप हर रोज़ देख रहे होंगे कि किस तरह से साइबर क्राइम की घटनाएं देश में तेज़ी से बढ़ रही है। ये साइबर ठग अलग अलग ट्रिक्स अपनाकर लोगों को कंगाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट एजेंसी अभी पूरी तरह से इन साइबर क्राइम्स को, इन साइबर अपराधों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इसलिए हमें खुद से ही अवेयर होना पड़ेगा, खुद से ही जागरूक होना पड़ेगा इन अपराधों से अपने आप को बचाने के लिए। अगर हम अवेयर रहेंगे, हम सजग रहेंगे, तो हम अपने परिवार की, अपने दोस्तों की भी मदद कर पाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं साइबर क्राइम्स के बारे में, और साथ में ही कुछ आपके लिए सेफ्टी मेजर्स हैं जिन्हें अपना कर हम इन जो क्राइम से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइबर क्राइम क्या होता है। सो साइबर क्राइम इज अ क्राइम इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स। सो वो क्राइम्स जिनमें कंप्यूटर और नेटवर्क का उपयोग किया जाता है या जिनमें ये उपकरण सम्मिलित होते हैं, उनको साइबर क्राइम कहा जाता है। दीज क्राइम्स कैन बी कमिटेड बाई इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और इवन स्टेट एक्टर्स, एंड दे एक्सप्लॉयट द डिजिटल वर्ल्ड टू कैरी आउट इलीगल एक्टिविटीज़। ये क्राइम किए जाते हैं इंडिविजुअल्स द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो कि गैर कानूनी कार्यों के लिए डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम्स। एनी ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू हार्म द रेपुटेशन और कॉज फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैन बी डिफाइंड एज साइबर क्राइम। सो जो ऑफेंसेस, जो अपराध किए जाते हैं इन जो क्राइम किए जाते हैं किसी को हार्म करने के लिए, किसी की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, या किसी को फिजिकल या मेंटली हर्ट करने के लिए, वो साइबर क्राइम की डेफिनेशन में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैन इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज इंटरनेट नेटवर्क्स, इंक्लूडिंग चैट रूम, ईमेल्स, नोटिस बोर्ड्स एंड ग्रुप्स एंड मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, SMS, MMS। सो इन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है साइबर क्राइम्स के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। एवर सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर लॉ इन इंडिया, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT Act 2000 कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स अंडर साइबर लॉ इन इंडिया। सो IT Act 2000 के अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स जो है वो कवर होते हैं। तो चलिए इन साइबर क्राइम्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट अकर्स व्हेन समवन यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड क्रेडेंशियल्स टू कमिट फ्रॉड। सो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपकी क्रेडेंशियल्स है, उनको चुरा कर फ्रॉड कमिट करता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है, दैट इंक्लूड्स योर आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। और क्रेडेंशियल्स में आ जाते हैं आपके सर्टिफिकेट, आपकी डिग्रीज, आपका ID। सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, बट द मोस्ट कॉमन इज फाइनेंशियल थेफ्ट। एंड द आयरनी इज कि विक्टिम को तब पता चलता है कि उसके उसके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, जब जैसे कि वो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है, तो उसको पता चलता है कि उसके नाम से पहले ही किसी ने लोन ले रखा है, या जब वो बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता है तो उसके नाम से पहले ही कोई जो है वो अकाउंट खुलवा चुका है, उसके नाम से कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू करवा चुका है, या फिर जब जो कलेक्शन एजेंसीज होती है उसको रिकवरी के लिए कॉल करती है। तो इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं उनको कहा जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट जो क्राइम है वो है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या होता है? सो साइबर टेररिज्म, आल्सो नोन एज डिजिटल टेररिज्म, इज डिफाइंड एज डिसरप्टिव अटैक्स बाय रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट कंप्यूटर सिस्टम विद द इंटेंट ऑफ जनरेटिंग अलार्म, पैनिक और द फिजिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो साइबर टेररिज्म होती है जब जो ये रिकग्नाइज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोगों में पैनिक क्रिएट करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ साइबर टेररिज्म इज इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस टू वल्नरेबल डेटा नेटवर्क्स।
कि जब डेटा नेटवर्क्स पे वल्नरेबल डेटा नेटवर्क्स पे वायरस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और इंफॉर्मेशन को जो स्टील कर दिया जाता है, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. देन हैकिंग ऑफ सर्वर्स टू डिसरप्ट कम्युनिकेशन एंड स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सर्वर्स हैक कर लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर दिया जाता है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है कंट्री की उनको चुरा लिया जाता है. देन डीफेसिंग वेबसाइट्स एंड मेकिंग देम इनअसेसिबल टू द पब्लिक, देयर बाय कॉजिंग इनकन्वीनियंस एंड फाइनेंशियल लॉसेस. जो वेबसाइट्स है उन पे अटैक किया जाता है, उनको पब्लिक के लिए इनअसेसिबल बना दिया जाता है और इस तरह से इनकन्वीनियंस क्रिएट किया जाता है, फाइनेंशियल लॉस क्रिएट किया जाता है. देन हैकिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स टू इंटरसेप्ट और स्टॉप कम्युनिकेशन एंड मेक टेरर थ्रेट्स यूजिंग द इंटरनेट. कम्युनिकेशन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको ये ऑर्गेनाइजेशन, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैक कर लेती है, कम्युनिकेशन जो है उसको स्टॉप कर देती है और उसमें जो टेरर थ्रेट्स होते हैं उसमें धमकियाँ जो होती है वो इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हैं. देन अटैक्स ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू ट्रांसफर मनी एंड कॉज टेरर. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जैसे बैंक हो गए, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनकी वेबसाइट को पर भी अटैक कर देते हैं और वहाँ से जो उनकी मनी है उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये टेरर फैलाती है. नेक्स्ट जो साइबर क्राइम है वो है साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग क्या होती है? साइबर बुलिंग इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू हैरेस, थ्रेटन, एम्बैरेस और टारगेट अनदर पर्सन. तो साइबर बुलिंग होती है जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी दूसरे पर्सन को परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है या शर्मिंदा किया जाता है. ऑनलाइन थ्रेट्स एंड मीम्स, अग्रेसिव और रूड टेक्स्ट, ट्वीट, पोस्ट और मैसेजेस, दे ऑल काउंट इन द साइबर बुलिंग. इसके अलावा किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, किसी की पिक्चर्स को, किसी के वीडियोस को सोशल मीडिया पे अपलोड करके उसको एम्बैरेस किया जाए, उसको हर्ट किया जाए, तो ये सब जो होता है ये साइबर बुलिंग होती है. साइबर बुलिंग के जो ज़्यादातर केसेस है वो बच्चों में देखने को मिले हैं. ये ना केवल बच्चों की इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं बल्कि उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, उनकी डेली लाइफ रूटीन जो होती है उसको भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं. तो साइबर जो बुलिंग है वो भी आईटी एक्ट 2000 के अंडर कवर होता है और इसमें फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है. नेक्स्ट जो क्राइम है वो है हैकिंग. हैकिंग क्या होती है? एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू फ्रॉडलेंट और अनएथिकल मीन इज नोन एज हैकिंग. जब कोई इंफॉर्मेशन फ्रॉडलेंट वे से या अनएथिकल वे से एक्सेस की जाती है उसको हैकिंग कहा जाता है. हैकर्स कैन डीफेस वेबसाइट्स एंड स्टील वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम सिस्टम, रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ रेवेन्यू इफ इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन ई कॉमर्स इंडस्ट्री. हैकर्स क्या करते हैं कि वेबसाइट, जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, तो उनकी वेबसाइट पे अटैक करते हैं, वेबसाइट का कंटेंट चेंज कर देते हैं और उनको जो रेवेन्यू लॉस जो है उनके क्रिएट करते हैं, उनको लॉस पहुंचाते हैं, जो इन वेबसाइट्स पे जो मनी ट्रांसफ़र होती है उनको चुरा लेते हैं. देन इन केस ऑफ कॉरपोरेट और गवर्नमेंट सिस्टम्स, लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा मे एक्चुअली रिजल्ट इन द लॉन्च ऑफ इंफॉर्मेशन एस्पिनोज और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. या इसके अलावा जो प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनके जो उनका जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, डेटाबेस होता है, हैकर्स जो होते हैं उसको जो है हैकिंग के थ्रू चुरा लेते हैं उनको भी, या फिर उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो दिस इज़ हैकिंग. नेक्स्ट जो साइबर क्राइम है वो है साइबर डिफेमेशन. साइबर डिफेमेशन क्या होता है? While every individual has his or her right to speech on internet platforms as well, but if their statement cross a line and harm the reputation of any individual or organization, then they can be charged with the defamation law. जब कोई individual कोई इस तरह की statement देता है जिससे किसी की रेपुटेशन को हार्म होता है, किसी पर्सन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को हार्म होता है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है वो साइबर डिफेमेशन के अंदर जो है आती है और ये एक क्राइम होता है.
दो तरह की डिफेमेशन होती है, एक होती है लाइबल, दूसरी होती है स्लैंडर। जब जो स्टेटमेंट होती है, जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट होती है, वो रिटन फॉर्म में दी जाती है तो उसको लाइबल कहा जाता है, और जो जो स्टेटमेंट डिफेमेटरी स्टेटमेंट वर्बली कही जाती है उसको स्लैंडर कहा जाता है। तो साइबर डिफेमेशन भी जो होता है, जो किसी की रेपुटेशन को, किसी की गुडविल को हार्म करने के लिए जो स्टेटमेंट्स दी जाती है वो जो होती है वो क्राइम मानी जाती है, और ये भी अंडर आईटी एक्ट 2000 जो है वो कवर होती है। नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग इज अ क्राइम इन विच द अटैकर हैरेसेस अ विक्टिम विद रिपीटेडली यूज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज ईमेल, इंस्टेंट मैसेजेस, मैसेजेस पोस्टेड ऑन अ वेबसाइट और अ डिस्कशन ग्रुप। सो साइबर स्टॉकिंग होता है जब जो अटैकर होता है वो बार बार किसी पर्सन को ईमेल के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, जो थ्रेटनिंग है या हरेस करने वाले मैसेजेस है वो भेजता है। अ साइबर स्टॉकर रिलाइज अपॉन द फैक्ट दैट हीज हर ट्रू आइडेंटिटी इज नॉट नोन इन द डिजिटल वर्ल्ड। अ साइबर स्टॉकर टारगेट्स द विक्टिम विद थ्रेटनिंग अब्यूसिव मैसेजेस और फॉलो देम देयर एक्टिविटीज इन द रियल वर्ल्ड। साइबर जो स्टॉकर होता है वो विक्टिम को, पीड़ित व्यक्ति को जो है अब्यूसिव मैसेजेस, थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजता है और उसको रियल वर्ल्ड में भी फॉलो करता है। तो ये थे कुछ साइबर क्राइम्स। ये सब क्राइम्स जो है वो आईटी एक्ट 2000 के अंडर जो है वो कवर होते हैं, और इनमें फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में। ये ऐसे मेजर्स हैं, ये ऐसे सेफ्टी टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप इन अपराधों से, आप इन क्राइम से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय अ लीडिंग इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 90% ऑफ ऑल साइबर अटैक्स आर कॉज्ड बाय ह्यूमन नेग्लिजेंस। सो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी की है कि 90% जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जो हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, वो ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण हो रहे हैं। हम खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना डेटा जो है वो इन क्रिमिनल्स को दे रहे हैं नेग्लिजेंटली, और वो इसका मिसयूज़ करके हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सो देयरफॉर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टूडे। सो क्या क्या टिप्स है? सो फर्स्ट वन इज नेवर क्लिक सस्पिशियस लिंक और अटैचमेंट्स। सो कभी भी कुछ इस तरह के जो लिंक्स आते हैं, सस्पिशियस लिंक्स आते हैं, जो कोई अटैचमेंट आते हैं मैसेजेस में, मेल में, कभी भी उन लिंक्स पर, उन अटैचमेंट्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए। वो किसी तरह का वायरस हो सकता है जो कि आपके कंप्यूटर को, आपकी इंफॉर्मेशन को इन्फेक्ट कर सकता है, आपका डाटा, आपका जो डेटा है उसको चुरा सकता है या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेकंड है कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड। आप जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है वो उसको अपडेट रखिए। हैकर्स टारगेट सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज टू एक्सेस प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड पुटिंग यू एट रिस्क। सो मेक श्योर टू अपडेट ऑल योर सॉफ्टवेयर विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस। सो हमेशा जो अपना सॉफ्टवेयर है जो उसको अपडेट रखिए विथ सिक्योरिटी पैचेस, उसमें सिक्योरिटी का प्रोविजन भी हो। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, गेम्स, म्यूजिक एंड ऐप्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज। कभी भी आप सॉफ्टवेयर को, गेम्स, म्यूज़िक या कोई भी ऐप्स है उनको अनट्रस्टेड जो सोर्सेज होते हैं वहाँ से इंस्टॉल मत करिए। नेक्स्ट इज सेट सिक्योर ब्राउज़र सेटिंग। ऑलवेज चूज अपडेटेड वर्जन ऑफ द ब्राउज़र एंड इंस्टॉल सेफ ब्राउजिंग टूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग यूर सेल्फ फ्रॉम हैकर्स एंड मॉलवेयर। देन कवर योर वेब कैम्स। जो आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे जो वेब कैमरा होता है उसको भी कवर करके रखिए। हैकर्स हो सकता है कि आपके वेबकैम को हैक कर ले और इस तरह से उसको आपकी डेली जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन हो जाती है, जिससे कि उसको किसी तरह का क्राइम करने में, किसी तरह का साइबर अटैक करने में ईजी होता है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू कवर वेबकैम व्हेन नॉट इन यूज़। देन नेक्स्ट इज़ नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। Refrain from sharing your personal information like phone number, email address, photographs with unknown persons. कभी भी अपनी जो personal information है,
वो किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर मत करिए. देन यूज़ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, यूज़ अ कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एंड चेंज इट पीरियोडिकली. अ सिंपल पासवर्ड लाइक पासवर्ड 123 और योर नेम और डेट ऑफ बर्थ इज़ टू ईजी फॉर साइबर क्रिमिनल्स टू गेस. सो इस तरह के जो ईजी पासवर्ड्स है ये मत रखिए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स के लिए इनको जो डिकोड करना वो ईजी होता है. सो यूज़ अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन टू सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. जो भी आप पासवर्ड बनाते हैं उसमें अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन के साथ साथ स्पेशल जो करेक्टर्स होते हैं उनको यूज़ करिए. देन नेक्स्ट इज अवॉइड पब्लिक वाईफाई. बी कॉशियस वाइल ब्राउजिंग थ्रू अ पब्लिक वाईफाई एंड अवॉइड लॉगिंग इन टू अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल अकाउंट सच एज ई मेल और बैंकिंग ऑन दीज नेटवर्क्स. पब्लिक वाईफाई को यूज़ करने में अवॉइड करिए. अगर आपको करना पड़ रहा है पब्लिक वाईफाई यूज़, तो कभी भी अपनी जो पर्सनल आपकी जो अकाउंट्स होते हैं, आपका ईमेल हो गया या आपका बैंक अकाउंट हो गया, तो पब्लिक वाईफाई से उसको मत ओपन करिए. इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस पे चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी अपने जो आपके गैजेट्स हैं उनको चार्ज करने से अवॉइड करिए. इन केस अगर आपको लगता है कि आपकी सिक्योरिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, आपके साथ साइबर जो फ्रॉड है, क्राइम है, वो हो चुका है, तो आपको इन अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है. तो सबसे पहले आपको जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रिपोर्ट करनी है. सेकंड, cybercrime.government.in एक वेबसाइट है, इस पे आपको ऑनलाइन कंप्लेंट जो है वो डालनी है. तो इस पोर्टल में दो सेक्शंस होते हैं. एक सेक्शन में हम बच्चों और वुमेन्स रिलेटेड कंप्लेंट करते हैं, और दूसरे सेक्शन में अदर रिपोर्ट्स जो होती है जो साइबर क्राइम्स के अंडर आती है उनको किया जाता है. और थर्ड, आप ये हेल्पलाइन नंबर है 1930, इसके ज़रिए भी आप ऑफलाइन कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं. तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिन्हें अपनाकर आप इन क्राइम से, आप इन फ्रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, कुछ MCQ बेस्ड क्विज है आप लोगों के लिए. 10 क्वेश्चंस का ये क्विज़ है. तो नीचे जो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स सेक्शन है उसमें इस क्विज़ का जो आंसर्स है उनको पोस्ट करिए और मुझ तक पहुंचाइए. तो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.